Hello, Assalamualaikum. My name is Muhammad Billal Ali. I'm the author of The Certain In Uncertain. I'm a storyteller. I'm trying to be a content creator. And today we're going to talk about the 4 rules for life. और ये 4 rules अगर आप इनकी true essence में समझ लेना तो I'm certain कि it will lead you to a peaceful, meaningful, fulfilled, prosperous life. InshaAllah. So without wasting any time, let's start. Rule number 1. This life is not meant to be easy. This life is not meant to be fair. This life is not meant to be amazing. ठीक है? We live in this reality. हालांकि हमें ये बात पता है, हमने कहीं ना कोई टीवी से या कोई अंकल से बात सुनी है कि बेटा जिंदगी आजमाइश है, हमें बात कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में फील्ड भी है, लेकिन रियलिटी वो है जो आप एक्सपीरियंस करो, जिसको आप बिलीव करो, ठीक है। और ये बातें ये कहते हैं हमने कहीं ना कभी सुननी ज़रूर होंगी, लेकिन बातों पे अमल करना आना, और अमल करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई लिटरली अमल करना शुरू करते हो, इसका मतलब ये इस बारे में सोचना कभी। तो लाइफ इज़ नॉट मेंट टू बी ईजी, मतलब दिस लाइफ इज़ नॉट मेंट टू बी ईजी। अगर ये ईजी है तो आपके लिए तो वो एबनॉर्मलिटी है उसकी, क्योंकि ये बनी नहीं इसके लिए, ठीक है ना। कोई चीज़ अगर जिस चीज़ के लिए बनी है उससे ऑपोजिट काम कर रही है तो उसकी एबनॉर्मलिटी होती है। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ नॉट मेंट टू बी ईजी। इफ इट्स ईजी फॉर यू दैट इट्स एक्टिंग एबनॉर्मली, ठीक है ना। या फिर उसका कोई फंक्शन ख़राब हुआ है जो कि हो ही सकता ना, उससे बिल्लाह। इसलिए हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई किसी ना किसी लेवल पर दुख, गम या फिर ना कोई चीज़ ऐसी है। बीमारी फ़र्क हो सकती है, नाम फ़र्क हो सकता है, वजह और वसीला फ़र्क हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि परेशानी का सब वो है, सबब है आपके लिए या मेरे लिए। खैर, तो रूल नंबर 2 इज़ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज़ व्हाट यू हर्ड इट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। नाउ द थिंग इज़ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे बड़े मामला हो सकते हैं जिनके आप डायरेक्टली कसूर ही ना हो, बल्कि कई बार तो इनडायरेक्टली कसूर ना हो, लेकिन यू हैव टू रियलाइज़ के होल्डिंग ऑन टू दैट वट एवर इट मे बी, मेमोरी हो या दर्द हो या परेशानी हो, वुडंट डू यू एनी जस्टिस। यू नीड टू रियलाइज़ वो जस्टिस आपको देगा ना कोई और आपको जस्टिस देगा। तो यू नीड टू रियलाइज़ कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। एंड अब मुझे पता है लोग कहेंगे अच्छा मेरे घर वाले बुरे हैं तो क्या इसमें मैं भी अपना रिस्पॉन्सिबल हूँ। बाय रिस्पॉन्सिबल आई डू नॉट मीन कि उनके बिहेवियर्स भी आप कंट्रोल कर रहे हैं। बाय रिस्पॉन्सिबल आई मीन के उन्होंने आपके साथ साथी कर दी, अब आप क्या करोगे? वट कैन यू पॉसिबली डू? टेक रिवेंज और मूव ऑन, ठीक है। ये 2 ऑप्शन होती हैं एंड मोस्ट ऑफन द नॉट दिस इज द सबसे आसान। फॉरगिविंग इज द मोस्ट प्राइडफुल रिवेंज, ठीक है ना। और ये भी इधर यू मूव ऑन और यू टेक रिवेंज। मोस्ट ऑफ द केस वी कैन नॉट टेक रिवेंज, तो मूव ऑन ही करना अच्छा है हमारे लिए। और इस सेंस में मूविंग ऑन इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइफ विल स्ट्रक यू बैड एट टाइम्स एंड टाइम्स अगेन। मौला लेके एक वो है, वो क्या कहते हैं, कॉल है कि वो मोमेंट नहीं जिसको हर 40 दिन के बाद कोई दुख ना पेश होए या कोई चैलेंज ना आए, आजमाइश ना आए। तो ज़िंदगी तो बार बार तो आपको देती रहेगी गम, जो भी को गम को, दुख को, चैलेंज को, टेस्ट तो, ठीक है ना। जो कि वाला तला ही है, बार बार कहता है कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट मेंट टू बी, क्या कहते हैं उसको, फॉर एवर। दिस वर्ल्ड इज़ एन इल्यूजन, दिस वर्ल्ड इज़ एन डिसेप्शन। वो हमें को लगता है कि भाई हम यहाँ पे आए हैं तो हम ऐसे ही रहेंगे। खैर, तो बाय बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ आई मीन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमोशंस एंड योर एबिलिटी टू मूव ऑन और यू टेक रिवेंज। रूल नंबर 3, कॉन्स्टेंट चेजिंग ऑफ एनीथिंग मेक्स द हार्ट वैकेंट फ्रॉम इनसाइड। चाहे वो पैसा हो, गोल हो, सक्सेस हो, ठीक है, कोई खातून हो, कोई मर्द हो, ठीक है, कोई सीरत हो, कोई सूरत हो, कॉन्स्टेंट चेजिंग ऑफ एनीथिंग विल लीड यू टू अनसेटिस्फैक्शन, अनपीसफुलनेस, अनफुलफिलमेंट, ठीक है ना, एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल ऑफ द स्टफ ऑफ दैट सॉर्ट। क्योंकि जब लालच इंसान की फितरत है, ठीक है ना, और जितना आप लालच को खिलाओगे वो उतना बड़ा होता रहेगा, ठीक है ना। और एक वक्त आएगा कि आपकी लालच जब कुछ लगेगी, आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ज़मीर ख़त्म हो जाएगा, या आपकी स्पिरिचुअल एसेंस या फिर इवन इमोशनल एसेंस ख़त्म हो जाएगी, इवन जिसम भी जवाब दे देगा वक्त के बाद आके। पढ़ा होगा बेचारा बंदा, हम सब ने उम्र के बाद पढ़ा ही होना है, कहीं ना कहीं पढ़ा हो जाता है बंदा। रूल नंबर 4 इज़ ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम ग्रेटिट्यूड। Gratitude is one of the most beautiful things. I think gratitude is the most beautiful thing I think a man can do. जहाँ पे एक बंदा सोच सकता है कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ तब ये हुआ, तब मेरे साथ ये हुआ, उसी दौरान अगर सोचे कि अल्हम्दुलिल्लाह छात्र है, अच्छी शक्ल है, अच्छी शक्ल ये भी पता नहीं है, पता नहीं मेरी अच्छी शक्ल है या नहीं है, लेकिन चलो छात्र है, बाल है, आंखें हैं, मुंह है, कान है, उम्मीद से कपड़े हैं, हाथ पाँव हैं, कितनी ब्लेसिंग हुई है, ठीक है। इस तरह ब्लेसिंग गिनता है ना बंदा, तो उसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं इस बात को, ग्रेटिट्यूड इज ग्रेटनेस। तो द 4 रूल्स आर: लाइफ इज नॉट मेंट टू बी इजी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, कॉन्स्टेंट चेसिंग ऑफ एनीथिंग मेक्स द हार्ट वेकेंट फ्रॉम इनसाइड। नंबर 4, gratitude is greatness. These were my 4 rules for life, and I constantly believe if you can work on these 4 rules and make peace with these 4 rules, you would have a peaceful life, that's for sure. चाहे ज़िंदगी में कुछ भी आपके उस पर चल रहा हो ना आपके मुताबिक, फिर भी आपकी ज़िंदगी में पीस ज़रूर होगा, because you would be grateful, you would be hopeful, you would have क्या कहते हैं उसको peace, and you would be कहते हैं उसको willing and able to work for your own failures because you are responsible for your own life. This was Muhammad Billal Ali. Do leave your comment कि क्या ख्याल है, क्या कैसी बात की है मैंने, and I will make इस तरह की वीडियो मैंने बनाई नहीं, काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो वीडियो से बना सकता हूँ अगर आप चाहें तो। और या see you guys next time, खुदा हाफिज़।